हे गाइस, वेलकम बैक इन माय यूट्यूब चैनल टेक्निकल टैक्टिस। तो जैसा कि आपने थंबनेल देख के अंदाज़ा लगा ही लिया होगा कि आज की वीडियो हमारी किस टॉपिक पे होने वाली है, तो आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि आप किस तरह से ऐसे कॉपीराइट फ्री वीडियोस क्लिप कहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। ऐसे मैं आपको तीन तरीके बताने वाला हूँ। तो जो सबसे पहला तरीका है वो है कि हमको अपना यूट्यूब ओपन कर लेना है। ओपन करके हमको सर्च बार में जाना है और यहाँ पर आपको सिंपली टाइप कर लेना है फनी क्लिप्स। फनी क्लिप्स आपको लिख के यहाँ पे सर्च करना है। सर्च करने के बाद आपको इधर राइट साइड में थ्री डॉट मिल जाएगा, थ्री डॉट पे क्लिक करना है, फिल्टर्स पे जाना है और यहाँ से क्रिएटिव कॉमन्स एक ऑप्शन मिलेगा, इस पर आपको क्लिक करके अप्लाई कर देना है। जैसे ही अप्लाई कर दोगे तो यहाँ पे आपको सारी वीडियोज़ क्लिप देखने को मिल जाएंगे, लेकिन ये वो वीडियोज़ क्लिप हैं जो एक ही में कम्बाइंड है, मतलब एक वीडियो में आपको लगभग 10 15 20 25 क्लिप्स मिल जाएंगे। तो इनको आप कैसे इस्तेमाल कर सकते हो, इनको इस्तेमाल करने के लिए पहले आपको इनको डाउनलोड करना पड़ेगा, उसके बाद आप किसी एडिटिंग सॉफ्टवेयर की मदद से कट करके जो क्लिप्स आपको चाहिए वो क्लिप्स आप अपने वीडियो में इस्तेमाल कर सकते हो, लेकिन ये काफ़ी लंबा प्रोसेस हो जाता है। और एक तरीका है, दूसरा तरीका ये है कि आपको जो पर्टिकुलर क्लिप्स चाहिए उस क्लिप्स को आपको सर्च करना होगा बाय उसके नेम। तो जैसे मैं एग्जांपल के तौर पर बताऊँ आपको, तो जैसे संजय दत्त का जो एक फ़नी क्लिप्स है, नहीं उसको हम सर्च कर लेते हैं, तो आप सर्च करोगे तो यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। तो इसके लिए भी आपको थ्री डॉट पे क्लिक करना है, फिल्टर्स पे जाके आपको क्रिएटिव कॉमन्स का जो ऑप्शन है इसको सेलेक्ट करके यहाँ से अप्लाई कर देना है। अप्लाई करने के बाद जैसे फर्स्ट वाला है, तो फर्स्ट वाला यदि मैं लिंक ओपन कर लेता हूँ, तो सबसे पहले आपको डिस्क्रिप्शन में इसको चेक भी कर लेना है। तो डिस्क्रिप्शन में आपको देखने को मिलेगा क्रिएटिव कॉमन्स एट्रीब्यूशन लाइसेंस रीयूज अलाउड, तो इसको हम आसानी से यूज कर सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये हो गया हमारा दूसरा तरीका। तो जो तीसरा तरीका है वो है कि एक एप्लीकेशन है ब्लिप्सी, इसकी मदद से भी हम इस तरह की वीडियो क्लिप्स डाउनलोड कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको प्ले स्टोर पर जाना है, प्ले स्टोर पर जाके आपको सर्च करना है ब्लिप्सी। आपको यहाँ पर सर्च करना है ब्लिप्सी, जैसे ही आप सर्च करोगे फर्स्ट वाला में एकदम एप्लीकेशन आ जाएगा, इसको आपको डाउनलोड कर लेना है। तो मैंने पहले से इसको डाउनलोड कर रखा है, मैं इसको ओपन कर लेता हूँ। ओपन करने के बाद आपको सारे ट्रेंडिंग्स जो क्लिप्स है वो सामने ही देखने को मिल जाएगा, बाकी इसके नीचे सर्च का भी एक ऑप्शन है, तो इसमें आप जाके जो भी क्लिप्स आप चाहते हो खुद से वो आप सर्च करके भी ला सकते हो। तो चलो मैं पहले आपको एक डाउनलोड करके यहाँ से दिखा देता हूँ। तो मैं नीचे स्क्रॉल कर लेता हूँ, तो जैसे ये वाला है, इसमें आ गया एक, इसके नीचे भी है, मैं इसको ओपन कर लेता हूँ। ये काफ़ी ट्रेंडिंग पे है, कुछ वीडियोस में आपको देखने को ये वाला मिला होगा क्लिप। तो इसको डाउनलोड करने के लिए आपको नीचे साइड में देखने को मिल जाएगा एक डाउनलोड का ऑप्शन है, राइट साइड से जो तीसरा आइकन है इस पर आपको क्लिक कर देना है और ये वीडियो क्लिप सेव टू कैमरा रोल, देखो नीचे पॉपअप मैसेज आ चुका था, तो ये क्लिप हमारे गैलरी में सेव हो चुका है। और आप चाहो तो ये साइट आपको क्रोम पे या किसी ब्राउज़र से भी आप सर्च करके इसको डाउनलोड कर सकते हो। जैसे कि मैं यदि क्रोम पे चलूँ, तो क्रोम पे जाना है आपको, क्रोम पे जाके आपको सर्च करना है ब्लिप्सी। ब्लिप्सी.com लिख के आपको सर्च कर लेना है। तो ये हमारा देखिए साइट खुल चुका है। यहाँ से भी सेम वही प्रोसेस है, जो प्रोसेस मैंने अभी आपको एप्लीकेशन में बताया वही प्रोसेस आप यहाँ भी लगा, वही सेम प्रोसेस है, यहाँ से भी आप वीडियो क्लिप डाउनलोड कर सकते हो। यहाँ से डाउनलोड करने के लिए वही चीज़ है, तो हम कोई एक आपको ओपन करके दिखा देते हैं, जैसे ये वाला है, तो इस पर मैं क्लिक कर देता हूँ, ये क्लिप आ चुके हैं। नीचे आपको डाउनलोड का ऑप्शन मिल रहा है, इस पर आपको क्लिक कर देना है और नीचे की तरफ आपको दिख रहा है कि डाउनलोड हमारा स्टार्ट हो चुका है, अभी ये डाउनलोड हो चुका है, इसको मैं ओपन कर लेता हूँ यहाँ से, तो ये देख सकते हो कि डाउनलोड हो चुका है। तो इस तरीके से आप कोई भी क्लिप्स यहाँ पे सर्च करके डाउनलोड कर सकते हो। वीडियो आपको यदि पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच।